जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, आज मैं आपको पंजाब की दाल मखनी बनाना बताऊंगी, जो बहुत फेमस है पंजाब की। अगर आज हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा गाइस, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके आए। देखिए, मैंने राजमा और उड़द की दाल ली है, उनको 2 घंटे के लिए वॉश करके भिगो दिया है पानी में। गाइस, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी बनती है ये, बहुत स्वादिष्ट बनती है। देखिए, मैंने वॉश करके इनको 2 घंटे के लिए भिगो दिया है। अगर आप आज मेरे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा गाइस। अब 2 घंटे के लिए हम इसको रख के छोड़ देंगे। देखिए गाइस, 2 घंटे हो चुके हैं, ये भीग चुके हैं राजमा और उड़द की दाल। आप साबुत उड़द भी ले सकते हो, मैंने तो कटिंग वाली ली है। अब इनको दोनों को मिक्स करके बॉईल कर लेंगे। इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है और 1/2 चम्मच इसमें लाल मिर्च डाली है और ऑयल डाला है मैंने। गाइस, ऑयल से क्या जल्दी पक जाती है दालें। अब इसको बॉईल करेंगे। कुकर का ढक्कन लगा के अब मैंने मसाले लिए हैं, हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, इनको मैंने बारी बारी चॉप कर लिया है सबको। आप टमाटर की ग्रेवी भी बना सकते हैं, मैंने भी लेकिन बारी बारी काटे हैं आज। देखिए गाइस, दाल मेरी बॉईल हो चुकी है, देखिए बिल्कुल मिक्स मुक्स हो गई है बिल्कुल। अभी कढ़ाई लिए मैंने, गैस ऑन किया है, मैंने 3 टीस्पून इसमें ऑयल डाला है। आप इसमें घी का भी यूज कर सकते हो, घी भी। मैंने 1 टीस्पून जीरा डाला है, थोड़ा इसको तड़कने देंगे। वीडियो लगातार देखते रहिए गाइस, कुछ भी स्किप ना करें। मैंने तेज पत्ता और साबुत लाल मिर्च लिए, इसमें मैंने डाल दिए है। अब हरी मिर्च डाल देंगे, वो जो बारीक प्याज चॉप किए हैं वो डाल देंगे इसके अंदर। अब इनको थोड़ा ब्राउन होने तक पकाएंगे गाइस। गाइस, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं आपके सामने नए नए वीडियो लाती रहूं। और इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। अब इसकी ग्रेवी बना के भी डाल सकते हैं।
देखिए बिल्कुल मैश हो चुके हैं टमाटर। अब इसमें मसाले डाल देंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक और हल्दी। गाइस हल्दी थोड़ी सी ली है मैंने, वैसे इसमें हल्दी डलती नहीं है लेकिन मैंने थोड़ी सी डाली है। गाइस इसके अंदर आप फुल क्रीम दूध भी डाल सकते हो दाल मखनी में। देखिए मसाला रेडी हो चुका है, थोड़ा पानी ऐड करेंगे इसमें ताकि मसाला और अच्छे से पक जाए। मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब इसमें हम जो दाल बॉईल की थी वो डाल देंगे। ये देखिए गाइस मैंने इसके मखनी के साथ में गेहूं के आटे की नान बनाई है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। उसमें मैंने गेहूं का आटा लिया है और मीठा सोडा लिया है, दही लिया है, थोड़ी चीनी डाली है उसमें, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल डाला है। देखिए दाल मखनी रेडी हो चुकी है, अब इसमें अमूल की जो क्रीम आती है वो डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें आप बटर भी डाल सकते हो, मैंने तो इसमें घी डाला है थोड़ा सा। देखिए कितना अच्छा कलर आया है दाल मखनी का क्रीम से। अगर आपके पास में अमूल क्रीम ना हो तो आप मलाई को फेंट के वो भी डाल सकते हैं इसमें। गाइस जरूर ट्राई कीजिएगा एक बार ये रेसिपी और जो कमेंट में जरूर लिखिएगा कैसी बनी है। लाइक जरूर कीजिएगा गाइस। देखिए रेडी हो चुकी है हमारी दाल मखनी पंजाब की फेमस। देखिए मैंने और क्रीम डाली है ऊपर से इसमें। अब गार्निश धनिया से कर देंगे। देखिए गाइस ये मैंने गेहूं के आटे की नान बनाई है। पूरा वीडियो नहीं लिया ताकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए। देखिए मैंने ढक दिया था इसको। देखिए गाइस बिल्कुल अच्छी बनी है। अब इसको उल्टा करके तवे को फ्राई पैन को सेक लेंगे। आप तवे पे भी सेक सकते हो ऐसे। देखिए कितनी अच्छी सिक्की है नान हमारी गेहूं के आटे की। देखिए गाइस मेरी बिल्कुल रेडी है नान और पंजाब की फेमस दाल मखनी। आप जरूर ट्राई कीजिएगा गाइस, एक बार लाइक जरूर बनता है गाइस। देखिए कितनी टेस्टी बनी है हमारी दाल मखनी। जय श्री कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Ding, 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 ding.